और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज पूरा दिन पार करके कल की सुबह 5:41 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। फिलहाल बात करेंगे आज दशमी तिथि की। आज दशमी तिथि को दोपहर 12:48 तक सौभाग्य योग रहेगा, इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा जो कि कल दोपहर 1:41 तक रहेगा। सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला होता है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखी रहता है। माना जाता है कि इस योग के दौरान कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त निकाले ही किया जा सकता है। अगर शोभन योग की बात करें तो यह योग शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। यह योग यात्रा के लिए भी मंगलमय और सुखद रहता है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:18 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। ये नक्षत्र 32 तारों का एक समूह है जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। रेवती नक्षत्र के जातक चतुर, सुंदर, विद्वान, तेजस्वी होते हैं। इस नक्षत्र के दौरान सम्मान प्राप्ति, गृह प्रवेश, विवाह, विद्यारंभ आदि कार्य किए जा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जबकि इसकी राशि मीन है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है। बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखते हैं। वहीं वनस्पतियों में रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है, इसलिए जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन्हें महुआ के पेड़, उसके फल, उसकी पत्तियों को कभी भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी प्रकार उपयोग में लाना चाहिए। महुआ का फल आपने देखा है कभी? सफ़ेद सफ़ेद मोती जैसा होता है और इतनी खुशबू आती है उस फ्रूट से, इतनी खुशबू आती है। जिन्होंने महुए के पेड़ को फलते फूलते देखा है वही इस खुशबू को समझ सकते हैं। अद्भुत होता है महुआ। लेकिन जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ उन्हें महुआ का फल नहीं खाना चाहिए, उससे बनी खीर नहीं खानी चाहिए या उससे बनी कोई और चीज़ खानी या पीनी नहीं चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन सौभाग्य योग, शोभन योग और रेवती नक्षत्र की। और अब हम बात करते हैं पंचक और भद्रा की। आप जानते हैं कि धनिष्ठा से लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचक होते हैं और रेवती नक्षत्र आज देर रात 3:18 पर समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही यानी आज देर रात 3:18 तक पंचक भी समाप्त हो जाएंगे। एक बार फिर याद दिला दूं कि पंचक के दौरान कोई भी शुभ कार्य, खासतौर से घर की छत बनवाना, लकड़ी का काम, चारपाई या बेड बनवाना, खरीदना, लकड़ी या घास इकट्ठा करना वर्जित होता है। पंचक समाप्त होने के बाद आप इन सभी कार्यों को कर सकते हैं। इसके अलावा आज शाम 4:31 से शुरू होकर कल की सुबह 5:41 तक भद्रा रहेगी। यहाँ एक बात का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज देर रात 3:17 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और जब तक मीन राशि में रहेंगे तब तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी और उसके बाद चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और चंद्रमा के मेष राशि में पहुँचते ही स्वर्ग लोक की भद्रा शुरू हो जाएगी। यानी आज शाम 4:31 से लेकर देर रात 3:17 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान शत्रुपक्ष से मुकाबला करने के लिए, राजनीतिक कार्य करने के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए प्रशस्त है। स्वर्ग लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थी चर्चा आज के दिन पंचक और भद्रा की। और आइए अब चर्चा करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन मूंग की दाल के लड्डू बनाकर छोटे बच्चों में बांटिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन अपनी बुआ या बहन को हरे रंग की कोई चीज गिफ्ट करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत बनी रहेगी। अगर आप अपने पद, प्रतिष्ठा और सम्मान में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज के दिन किसी कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी।
अगर आपके पास पैसा स्थायी रूप से नहीं टिकता है, पैसा आते ही किसी न किसी काम में खत्म हो जाता है, तो आज के दिन किसी जरूरतमंद को साबुत हरे मूंग की दाल दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पास पैसा रुकने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में इलायची दान करें, इलायची का पैकेट दान कर दें। साथ ही किसी कन्या को आदरपूर्वक हरे रंग का वस्त्र गिफ्ट करें, हरे रंग का कपड़ा दीजिए छोटी कन्या को। अब वो छोटी हो बड़ी हो, कन्या होनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आपके घर की खुशहाली को किसी की नजर लग गई है और परिवार के सदस्यों में अनबन बनी रहती है, तो आज के दिन घर के किसी कोने में फिटकरी का एक टुकड़ा रख दें और तब तक रखे रहें जब तक उसका रंग न बदल जाए। आज के दिन ऐसा करने से पहले की तरह आपके घर में खुशियां बनी रहेंगी और घर के सभी सदस्यों में तालमेल रहेगा। अगर आप हर मुश्किल परिस्थिति को तुरंत सुलझाने की शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण के घर मिट्टी का घड़ा दान करें। साथ ही संभव हो तो स्टेशनरी का काम करने वाले किसी व्यक्ति को कमर पर बांधने की बेल्ट गिफ्ट करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी हर मुश्किल परिस्थिति को आप सुलझाने की शक्ति हासिल करेंगे। अगर आप अपनी वाणी से सामने वाले को खुश करना चाहते हैं तो आज के दिन रेवती नक्षत्र के दौरान बुध के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी वाणी से सामने वाले को खुश करने में सफल होंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार ही प्यार भर देना चाहते हैं तो आज के दिन अपने कमरे में तोते के जोड़े की तस्वीर लगाएं। साथ ही एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा लेकर अपने पास रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खूब प्यार भरा रहेगा। अगर आप अपने व्यापार में खूब सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, शिव जी को खीर का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने व्यापार में खूब सफलता मिलेगी। अगर आप एक लेखक हैं और अपनी जीवन शैली को बेहद प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माता दुर्गा के आगे घी का दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी लेखन शैली में इजाफा होगा, बेहतरी होगी और बेहद प्रभावशाली शैली आपकी बन जाएगी। इसके अलावा एक बार फिर आपको बता दूं कि 14 जून को सूर्यदेव की मिथुन संक्रांति थी और संक्रांति के पुण्यकाल का बड़ा महत्व होता है। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दान का बड़ा ही महत्व है। आपको बता दूं कि सूर्य की मिथुन संक्रांति के दौरान मंदाकिनी नदी में स्नान का महत्व है। इतनी सुंदर नदी, क्या कल कल की आवाज आती है चित्रकूट में। अगर आप चित्रकूट में उस नदी के किनारे एक रात सो सकें तो आप जीवन में यह अनुभव करेंगे कि इससे मधुर कोई संगीत प्लैनेट अर्थ पर उपलब्ध नहीं है। अद्भुत संगीत है, अद्भुत कलकल की ध्वनि है मंदाकिनी नदी की। लेकिन अगर आप आज के दिन मंदाकिनी नदी में स्नान न कर सके तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पर ही स्नान के जल में मंदाकिनी नदी का आवाहन करके स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मंदाकिनी नदी उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के आगे चित्रकूट में होकर बहती है और चित्रकूट वो स्थान है जहां भगवान राम ने अपना कुछ समय के लिए निवास किया था। सूर्यदेव की मिथुन संक्रांति का पुण्यकाल आज सूर्योदय से दोपहर पहले 11:54 तक रहेगा। आप इस समय के बीच कभी भी स्नान दान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। संभव हो तो किसी ब्राह्मण को आभूषण या स्वर्ण पात्र का दान करें, लेकिन जिसके लिए संभव न हो वो फल या अन्न भी दान कर सकते हैं। इस समय में किए गए दान का फल दान करने वाले को लाख गुना होकर वापस मिलता है, साथ ही उसके वैभव में वृद्धि होती है। और अब वक्त है नाम के अक्षरों से आपका भविष्य बताने का, लेकिन उसके पहले आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अभी वो दहशत थमी नहीं है। फोन आ रहे हैं, लगातार लोग पूछ रहे हैं कि अखबारों में छपा है कि भूकंप आने वाला है। एक चीज होती है ना, रोको कौमा मत जाने दो, और दूसरी चीज है रोको मत कौमा जाने दो।
अगर किसी से ऐसी हेडिंग बन गई कि एक भूकंप दिल्ली को रॉक कर सकता है, तो उस हेडिंग का इतना अर्थ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा आधुनिक विज्ञान के पास चुनौतीपूर्वक, आधुनिक विज्ञान के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिससे वो आने वाले भूकंप के बारे में बता सके। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह समझ लेनी चाहिए। यह कहने का तरीका है, यह प्रेजेंटेशन है। कोई भी कह सकता है, एक सड़क चलता कह सकता है कि लगता है जल्दी ही दिल्ली में भूकंप आएगा, इट्स ओके। और उसी के पीछे अगर आप कहते हैं फला जगह के प्रोफेसर और इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड और इन्होंने कह दिया, तो और उसमें। लेकिन अगर आप उस आर्टिकल को, पूरे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने कई घंटों उससे जुड़े कई आर्टिकल्स को पढ़ा, एक दो घंटे नहीं पढ़ा, कई कई बार पढ़ा। हर आदमी बाद में ये कहता है हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, हम ये अंदाजा लगा रहे हैं। क्यों आप अंदाजा लगा रहे हैं? आप साइंटिस्ट हैं क्या? आपको तुक्काबाजारी करते हैं? तो इस तरीके से देखिए, घबराइए नहीं। हमने भी आपसे जिक्र किया था कि देखो, अभी बड़े बड़े प्लैनेट्स जब आकाश में जब वक्री हो जाते हैं, जैसे गुरु और शनि दोनों इस समय वक्री, और यह भी ध्यान देने की बात है कि तीन ग्रहण एक साथ हो रहे हैं, तो तीन प्लैनेट्स की गुरुत्वाकर्षण एक साथ आएगा, पृथ्वी के केंद्र में हलचल होगी, टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होगी, थरथराहट दिखाई दे रही है, पिछले कुछ महीनों में कई बार हो गई, बट इट सीम्स टू बी सस्पेंशन। देर इज नो वे, नो वे एंड नो वे हु कैन प्रेडिक्ट ए भूकंप। ये ज्योतिष शास्त्र में भी संभावना और ये लक्षण बताए गए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ज्योतिष सत्य का निकटतम अनुमान है, ज्योतिष सत्य का निकटतम अनुमान है। आने वाले दिनों में अगर पश्चिम की तरफ बादल ज्यादा घने रहेंगे तो भूकंप आने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि 7.6 पे आएगा कि 9.7 पे आएगा। देखिए, भूकंप अगर 5 रेक्टर पैमाने पे है, वहां से 6 रेक्टर पैमाने पे आने के लिए उसको 32 गुना ज्यादा प्रभावशाली होना पड़ता है। रेक्टर पैमाने का यही मतलब है, लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं उसको। तो देखिए, चीजें विज्ञान सम्मत समझिए, चीजों को शास्त्र सम्मत समझिए। ज्योतिष विज्ञान भी विशुद्ध विज्ञान है, जो इस समय बादलों की स्थिति बनती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े अनुभवी लोग हुए, घाघो बद्री जैसे लोग हुए, जो ये बता देते हैं कि इस महीने की इस अमावस्या को ये होगा तो इतने महीने बाद ये होगा, बिकॉज दे हैव। आप देखिए, पूरे प्लैनेट अर्थ पर, खासतौर से जहाँ पुरानी संस्कृतियाँ हैं, जैसे हमारे उत्तर में चीन है, हम चीन के कितने बड़े आलोचक क्यों ना हो, लेकिन विद्या का सम्मान सबका करना चाहिए। चीन में मौसम के मुताबिक मौसम का अनुमान लगाने वाला सदा विजेता रहा है, और सिर्फ चीन में ही नहीं, यह जापान में भी था। वो सभ्यताएं जो भी नई नई विकसित हुई हैं, उन्होंने मौसम के और पंच तत्व के महत्व को नहीं समझा है, वो चीजों को ठीक से समझेंगे भी, अब वो डेवलप कर रहे हैं। भारत में विद्या सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है। अब तीन तीन वो आ रहे हैं एक साथ ग्रहण, शनि और गुरु दोनों वक्री हैं, संभावना बनती है, लेकिन इस तरह घबराहट की जरूरत नहीं कि अपना बैग पैक करने लगे और घबराने लगे। अगर अचानक भूकंप आ ही गया तो क्या करेंगे आप? देखो, जिस क्षण आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उसी क्षण जीवन की मीमांसा बदल जाती है। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, घबराते किस बात से हो? गम्यताम आगम्यताम, जो इस प्लैनेट अर्थ पर आया है उसको जाना है। मृत्यु एक ही दिन होनी है, लेकिन मृत्यु के भय से आप हर क्षण मर सकते हैं। तो जब तक जीवन है उसे जियो और उसे प्रभु के चरणों में लगाओ। तो अब आगे चलते हैं, और मुझे लगता है कि जब तक मुझे इसके फोन आते हैं, रोज दिन में 10-20 फोन आते हैं कि भैया भूकंप की क्या स्थिति है, रेक्टर पैमाने पे कितना आएगा। तो ये सब चीजें जब तक मुझे फोन आते रहेंगे, मैं आपसे कहता हूँ घबराहट बंद कीजिए, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, रिलैक्स रहिए।